अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की 14 अगस्त के लिए पोस्ट बनाना सिखाएंगे कि आप भी अपनी फोटो लगा के पोस्ट कैसे बना सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल फ्री। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की पोस्ट बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ऐप को ओपन कर लेना या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने वहाँ जाकर सर्च कर लेना है रिमूव बीजी। तो सिंपली आपने इस रिमूव बीजी वेबसाइट को डाउनलोड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने अपनी अपलोड इमेज के अंदर आना है। अपलोड इमेज के अंदर आने के बाद सिंपली आपने जाना आ जाना है अपनी गैलरी के अंदर। गैलरी में आएंगे तो सबसे पहले आपने अपने वो फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ आपकी फ़ोटोज़ पड़ी होंगे। तो सिंपली आप मैन अपने वही फोल्डर के अंदर आ गए जिसके अंदर मेरी फ़ोटो पड़ी हुई है। तो सिंपली मैं कोई अच्छी सी फ़ोटो ले लेता हूँ जो मैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपली हम जहाँ से एक फर्स्ट आपको रैंडम एक फ़ोटो लेकर दिखा रहे हैं तो यहाँ से मैंने वो सिलेक्ट कर दी। ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कंप्यूटर से किया है या आपने खुद किया है। ये आपको ऑटोमेटिक करके देगा आपका बैकग्राउंड रिमूव। तो सिंपली जब ये हो जाएगा रिमूव, आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वैसे एक आधे सेकंड के अंदर ये अपलोड होकर ये आपको वीडियो का या फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देती है। तो सिंपली मेरा अभी डाउनलोड हुई नहीं है। तो सिंपली मैं इसको आपने इस तरह से कर लेना। मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी आगे ऐप की तरफ जिस ऐप के अंदर मैं एडिटिंग करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर आना है, वहाँ से आपने सर्च कर लेना है अडोब डिज़ाइनर ऐप को। तो सिंपली ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाती है। तो सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। ऑन होगा तो सिंपली आप इसके अंदर अच्छे से पोस्ट अपनी बना सकते हैं। तो सिंपली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सिंपली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। सिंपली मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। उसके बाद आपके सामने ये काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं। तो आप यहां से आप अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते सिंपली आपने ऑनलाइन डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हर तरह की पोस्ट मिल जाती बनी बनाई, आपने सिंपली अपना नाम ऐड करना है और उसके बाद अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी यहाँ से बना सकते हैं। इंटरनेट की वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्लो हो गया है काम। बाकी इसके अंदर आप कोई भी इलेक्शन के वगैरह या अपने विजिट कार्ड बना सकते हैं, और भी पोस्ट अच्छी अच्छी बना सकते हैं। तो सिंपली हमारा ये काम नहीं, सिंपली हमने आगे आना है ऑल के ऑप्शन पर, जहाँ से ऑल डिज़ाइन के ऑप्शन पर आ जाना है। तो आजकल 14 अगस्त के हवाले से ज़्यादातर लोग बना रहे हैं, आपको जहाँ से मिल जाती हैं 14 अगस्त के हवाले से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। सिंपली आपने जो सी बीजी बैकग्राउंड से आपने अपनी वीडियो का फ़ोटो का सॉरी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने वहाँ से कर लिया है। उसके बाद आपने अपनी जितनी फ़ोटो लगाना चाहिए आपने वहाँ से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अगर आपको जहाँ से नहीं मिलती तो सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ से आपने आगे आना है जहाँ से आपको मिल जाता है जश्न आज़ादी, यहाँ क्लिक करेंगे तो 14 अगस्त की कितनी भी पोस्ट होंगी आपको यहाँ शो हो जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि जी मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आ गई हैं। तो सिंपली हम यहाँ से एक आधी आपको बनाकर सिखाएंगे कि आप भी किस तरह से ये बना सकते हैं। ये आपको ये सामने ही है, बहुत ही प्यारी प्यारी पोस्ट बनी बनाई आपको ये देख सकते हैं, ये मिल रही है। आप अपनी ओनली फ़ोटो लगाएंगे, अपना नेम लिखेंगे, आपकी पोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। 14 अगस्त के हवाले से आजकल बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, लोग बनाना सीख रहे हैं। उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सबसे ज़्यादा लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होगा। तो सिंपली मैंने कहा चलो आपको मैं एक आसान कुलिया बताता हूँ कि जिसके ज़रिए आप इस तरह के पोस्ट बना सकते हैं। जी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी पोस्ट बनी हुई है 14 अगस्त के हवाले से, आपको काफ़ी मिल जाती है। तो सिंपली आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी ओपन कर लेनी है। तो जहाँ से मैं एक आपको बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बनती है, जहाँ से मैंने एक पोस्ट पे क्लिक किया, डाउनलोड एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, अगर इंटरनेट स्लो होगा मेरी तरह तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो सिंपली ये अभी डाउनलोड थंबनेल का आ रहा है ऑप्शन, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने ये आपको शो हो जाएगी डाउनलोड होगी। तो अभी ये डाउनलोड ही हो रही है।
तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप देखते होंगे जो से मेरे रेगुलर व्यूवर है उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स अभी नहीं दे रहे, तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट किया करें। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका भी हक बनता है कि आप मुझे भी सपोर्ट करें। जैसे कि ये हमारी आ गई है 14 अगस्त के पोस्ट आ गई है, उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर कर ऑल को आपने लॉक लगा देना है। इसका मतलब ये होगा, सॉरी, आपने ये लॉक लगा देना है, अनलॉक हो गई थी। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, जहाँ से फाइंड कर लेना है जहाँ हमारी इमेज हमने लगानी है, सिंपली हमने इमेज वाले को अनलॉक करना है। इससे हमारे ऊपर वाले टेम्पलेट आगे पीछे नहीं होंगे, सिंपली हमने इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहाँ से आपको रिप्लेस का ऑप्शन नीचे मिल जाता है, आपने रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो सी आपकी डाउनलोड की होगी, जैसे कि मैंने अभी अभी डाउनलोड की हुई है एक, तो सिंपली आपने अपनी वो ही ले लेनी, जैसे कि ये मैंने अभी डाउनलोड की थी, ये अगर लेना चाहें दे ये ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कोई लेना चाहें तो सिंपली आपने कोई अपनी और जो सी आपने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया होगा, सिंपली आपने वो ले लेनी है। तो जहाँ से हमारे पास और भी है काफ़ी, तो जहाँ से मैं ये वाली अच्छी लगी है, सिंपली हम इनको इसको इस पिक को ऐड कर लेते हैं। पिक ऐड करने के बाद सिंपली पिक हमारी थोड़ी सी छोटी होगी, सिंपली आपने करना क्या है, पिक पे क्लिक करना है, इसको फिंगर की मदद से जूम करना है। तो सिंपली हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, तो सिंपली आपने इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से करनी है, जैसे कि ये अभी हो गई है। आप अगर इसका साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना चाहें वो भी कर सकते हैं इजीली, फिंगर की मदद से आपने इसको खींचना है नीचे की तरफ, जो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, उसके बाद आपने इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने का मतलब यही होता है कि आप कोई टेम्पलेट आगे पीछे नहीं होती, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है आप कि सिंपली वही टेम्पलेट आगे पीछे होगी जो सी आपके लॉक नहीं होगी, अगर लॉक वाली होगी तो वो आगे पीछे नहीं होगी। उसके बाद आपने इसको सर्च कर लेना है, जहाँ से फाइंड कर लेना है जहाँ से आपका ये नेम आ रहा है, तो सिंपली नेम वाले पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ से आपने नेम वाले पे क्लिक करना है, सॉरी हमारा लॉक अभी नहीं लगा इमेज को, ये आगे पीछे हो रही है, सिंपली आपने लॉक लाजमी लगाना है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि वरना आपकी ये पोस्ट आगे पीछे हो सकती है, फिर आपको थोड़ा सा मसला भी आ सकता है। तो जहाँ से हमने जहाँ क्लिक करना है, जहाँ से एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद सिंपली हमने जो सा अपना नेम लिखना है वो लिखना है, ऐड डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये हमारा नेम आ गया। उसके बाद आपने फ़ोन के ऑप्शन पे आना है, तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, आपका जो दिल करे आप वही फ़ोन ऐड कर सकते हैं, जहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे आपको फ़ोन ये प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली हमने जहाँ से यही वाला फ़ोन रखना है, उसके बाद इसका साइज़ आपने बड़ा छोटा कर लेना है, तो सिंपली कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो सिंपली हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, सिंपली यही रख लेते हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल भी स्लो है, इंटरनेट भी स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे काम हो रहा है, तो सिंपली आपने इसको इग्नोर करना है। आपने आपको मैं बनाना सिखा दूंगा, आपने सिंपली वही कर लेना है। जैसा कि ये इस तरह से हो गया, हमने इसको भी लॉक लगा देना है, ये भी आगे पीछे ना हो। लॉक लगाने के बाद सिंपली आपने वो जैसा कि जो नीचे आपको शो हो रहा है, आपने इस तरह से अगर लगाना चाहें तो सिंपली आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, आपने एक बार इसको हाइड कर कर देख लेना है। अगर हाइड हो रहा है तो सिंपली आपने यहाँ क्लिक करेंगे, तो सॉरी फिर हाइड हो गया, तो जहाँ क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो जहाँ से आपको नीचे मिल जाता है एडिट का ऑप्शन, जहाँ से इसको आपने रिमूव कर लेना है, जो सा आपका ज़िला वगैरह होगा आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं जहाँ से आर्जी तौर पे यही लिख देता हूँ, तो लिखने के बाद आपके सामने ये नीचे इस तरह से आ जाएगा, आपकी पोस्ट बनकर तैयार होगी। आपको बना बनाया सभी टेम्पलेट मेरे हैं, उसके बाद आपने ऊपर क्लिक करना है, इसको सेव कर लेना है हाई रेजोल्यूशन के अंदर, तो सिंपली आपने इसको सेव कर लेना है, तो ये सेव हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी अच्छी सी पोस्ट बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो
तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहती है।